बॉलीवुड में हर साल कुछ ऐसी फिल्में जरूर बनती हैं जो असल कहानी या असल जिंदगी के हीरो पर आधारित है। किताबों की जगह इन सच्ची कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाना ज्यादा सही है। साल 2017 भी इन असल कहानियों पर आधारित रहा। इस साल 6 फिल्में ऐसी आई जो असल कहानी पर आधारित थी। इनमें से कुछ फिल्मों को सराहना मिली तो कुछ बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ये हैं साल 2017 की फिल्में जो असल जिंदगी पर आधारित थी। 1. काजी अटैक। यह फिल्म 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत द्वारा किए गए एक सीक्रेट मिशन पर आधारित थी। फिल्म में बताया गया कि किस तरह इंडियन नेवी ने PNS काजी का खात्मा कर दिया। फिल्म इंटरेस्टिंग थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। 2. पूर्णा, करेज हैज नो लिमिट्स। ये फिल्म तेलंगाना की रहने वाली पूर्णा जगन्नाथन की कहानी है, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया मुकाम हासिल किया। 3. टॉयलेट, एक प्रेम कथा। फिल्म एक 19 साल की प्रियंका भारती की कहानी पर आधारित है। प्रियंका ने शादी के बाद अपने पति और ससुराल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उनके घर में शौचालय नहीं था और शौच के लिए उसे बाहर जाना पड़ता था। 4. सिमरन। कंगना रनौत की इस फिल्म को हंसला मेहता ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म NRI संदीप कौर की असली कहानी थी, जिसे बैंक रोबरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 5. टेडी। अर्जुन रामपाल की ये फिल्म गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने अरुण गोविल की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया कि एक गैंगस्टर कैसे लोगों का हीरो बना। 6. हसीना पाका। श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना की जिंदगी पर आधारित थी, लेकिन फिल्म बुरी तरह पिट गई।